नमस्कार दोस्तों, यूनिक मार हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि री वाले और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको भी पास कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये नोटिस आया था 24 तारीख को हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और आज का अभी अभी का एक नोटिस आया है KUK यूनिवर्सिटी का। हम उसके बारे में आपको उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जो 24 तारीख को ये नोटिस आया था, 23 तारीख को आया था शायद, और अभी 24 तारीख को एक कमेटी बैठी थी इसके ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जो भी जुलाई के अंदर इंटरमीडिएट और कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे जुलाई के अंदर, ये कमेटी का फैसला रहा है। और इसके अंदर बोला कि इट इज़ नोटिफाइड दैट आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज मेड ऑन 24/6/2020 इन कम्प्लियंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्कुलेटेड वेल इन ये आई टी थी जो 24-23 तारीख को आई थी ये, और वाइस चांसलर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन ऑर्डर दैट टर्मिनल एग्जामिनेशन, ये बोल रहे हैं कि जो भी टर्मिनल मतलब फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वो अब नहीं होंगे। और दोस्तों, ये इसके अंदर देखो, ये सभी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे वो थे कमेटी के अंदर। इसके अंदर देखो, ये ओरिजिनल है, इसके अंदर इस साइन लगाए सिग्नेचर हुए हैं। तो दोस्तों, ये ओरिजिनल है, KUK यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। और दोस्तों, अब कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कमेंट आ रहे थे कि सर JGU और अलग यूनिवर्सिटी है जो CDLU है उनके भी एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। जो भी हरियाणा के अंदर सभी यूनिवर्सिटियाँ हैं अब उनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो दोस्तों, एक कमेंट और आ रही थी कि 5th सेम के या 3rd सेम के या 1st सेम के एग्ज़ाम्स होंगे, कि हमारे री आई हुई है तो हम पास होंगे या नहीं। ये E1 वालों बच्चों के लिए है, जो भी E1 सेमेस्टर है उनके लिए है, जैसे कि 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, तो वो बच्चे पास होंगे जिनके अब एग्ज़ाम होने थे। तो दोस्तों, री वाले स्टूडेंट वही पास होंगे जो अब पेपर होने थे। धन्यवाद दोस्तों।